नमस्कार, स्वागत है आपका भेरू.com और SBCN टाइम्स में। आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन होने थे। जावद की बात की जाए तो जावद क्षेत्र के 3 नगर परिषदों में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन होने थे, जिनमें से 2 के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। सरवानिया महाराज में अभी जो है प्रक्रिया चालू है, लेकिन वहाँ भी संभावना यही जताई जा रही है कि नगर परिषद जो है भाजपा के पाले में जाएगी। 3 में से 3 ही आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना कब्जा जमाया है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जावद मंडल अध्यक्ष सचिन जी गोखरू, जिनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से इतनी बड़ी जीत मिली है, 3 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, क्या कुछ कहेंगे जी। सबसे पहले बधाई आपको, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। किस प्रकार की जीत रही है ये जीत? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये हर नगरवासी की जीत है, जिसने विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा पार्षदों को जिताकर आज उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया है। उन सभी मतदाताओं का, उन सभी आशीर्वाददाताओं का मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमन करता हूं। उन सभी से ये निवेदन करता हूं कि आपके बताए हुए स्वप्न पर भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहाने का काम करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के वादे आपके समक्ष आकर किए थे, वे सभी विकास के वादे हम पूर्ण करेंगे। पुनः आप सभी का आभार। आपके मंडल में 2 नगर परिषद आती है और दोनों पे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बना है। जावद में तो ये स्थिति रही कि निर्विरोध जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष चयनित हुए, क्या कुछ कहेंगे? जावद में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी को 15 में से 13 सीटें, वह भी पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छे वोटों के साथ। एक हमारे उम्मीदवार जो 600 वोटों से जीते, दूसरे हमारे उम्मीदवार जो 500 वोटों से जीते, वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन हुए। उनको जनता ने जो प्रेम आशीर्वाद स्नेह दिया, वे मैं उन दोनों की ओर से ये कल्पना करता हूँ कि जो जनता ने आशीर्वाद और स्नेह प्रेम उनको दिया है, वे उन पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मैं विश्वास भी दिलाता हूँ उसके साथ साथ कि वो पूर्ण रूप से जनता के दिए हुए स्नेह और आशीर्वाद पे खड़ा उतरेंगे। कई जगहों पर ऐसा भी देखने में आया कि कुछ जो है उपाध्यक्ष को लेकर दावेदार ज़्यादा हो रहे थे, अध्यक्ष को लेकर भी दावेदार ज़्यादा हो रहे थे, तो कुछ लोग नाराज़ भी हुए ऐसा देखने में आया, तो उसको लेकर क्या रहेगा आगामी समय में? ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। परिवार में दो भाइयों, हम परिवार में बीच में रहते हैं, 2 भाई 3 भाइयों के बीच में भी किसी बात के, संपत्ति के लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी विवाद होता है, पर हमारा परिवार है। हम मिल बैठकर सभी भाइयों के साथ मिलकर पुनः विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, आपके पार्षद वगैरह सभी को जो जीते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ये जीते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप जनता की सेवा करें, पुनः विकास करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की ने अठाना हो चाहे जावद हो, प्रधानमंत्री आवास से लगाकर, सड़कों के जाल से लगाकर, साफ़ सफाई स्वच्छता अभियान से लगाकर, और हमारे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा की तो स्वच्छता की अपनी एक अलग पहचान है। उनने पूरे देश में पहली जावद विधानसभा है जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता रथ दिए। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी जो हैं, कुल 13 PSC सेंटर भारतीय विधानसभा में हैं, उनमें स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क कराने का काम, क्योंकि क्यों बीमारी के पहले ही आपको बीमारी का पता लग जाए तो जल्दी ठीक हो जाती है। मैं सब उन सभी मतदाताओं ने इसीलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेतृत्व को विश्वास जताया है और इसीलिए मतदान किया है। नया गाँव के परिणाम अभी आना बाकी है, कल नया गाँव के जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन है, क्या स्थिति वहाँ पर बन रही है? भारतीय जनता पार्टी 3 नगर परिषदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रचंड बहुमत से जीतेगी और हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहां जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ये थे हमारे साथ में जावद भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन जी गोखरू, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही लगातार जो है विकास कार्य में अग्रण रही है, चाहे वह स्वास्थ्य का विभाग हो। अब आगामी समय में नगरीय निकाय में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और सब जगह विकास देखने को मिलेगा। इस वक्त भेरू.com के साथ में आकाश श्रीवास्तव।